नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष शर्मा एंड आई होप यू आर डूइंग वेल। तो साथियों, अगर आप नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, देन सीरियसली गाइस, यू आर मिसिंग समथिंग गुड स्टफ। वेल साथियों, हमारे इस चैनल पे वर्कआउट वीडियोस एंड सप्लीमेंट रिव्यू हम करते हैं। अगर आपने उसे अभी तक चेक नहीं करा तो सिंपली प्लेलिस्ट में जाकर आप उसे चेक कर सकते हैं एंड मेक श्योर आप अपने वर्कआउट रूटीन में सेम वर्कआउट फॉलो अवश्य कर रहे हैं। तो साथियों, जैसा कि आज आप देख पा रहे हैं, हमारे पास है अल्फा लैब का आइसोलेट वे प्रोटीन। तो आज के वीडियो में हम करेंगे अनबॉक्सिंग, जानेंगे पर स्कूप में क्या क्या न्यूट्रिशन देखने को मिलते हैं, क्या है इसका वेरिफिकेशन प्रोसेस, क्या बेनिफिट्स हमें देखने को मिल सकते हैं और इन केस कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं तो क्या हो सकते हैं, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि क्या रिकमेंड डोज है जिससे हमें जल्दी से जल्दी रिजल्ट मिले विद 0% साइड इफेक्ट के साथ। तो बने रहिएगा इस वीडियो में अंत तक एंड मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और आपके भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। वेल साथियों, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका मेंटोर बनूं, मैं आपको गाइड करूं किस दिन आपको कौन सा वर्कआउट परफॉर्म करना चाहिए, कैसे परफॉर्म करना चाहिए, क्या सही तरीका है, क्या गलत तरीका है, और साथ ही साथ मैं आपको गाइड करूं कब आपको कौन सा सप्लीमेंट लेना चाहिए, क्या डाइट लेना चाहिए, तो उसके लिए आप सिंपली हमारे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं और आगे की क्या प्रोसेस है वो जान सकते हैं। आई एम डैम श्योर आपको मेंटोर प्रोग्राम ज्वाइन करने के बाद एक बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो साथियों, जल्दी से जल्दी अपना मेंटोरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। तो साथियों, ये है अल्फा लैब्स का वे आइसोलेट प्रोटीन, जो कि आता है टोटल नंबर ऑफ सर्विंग 28 मिलता है 1 kg पैकिंग में, और हमारे पास जो फ्लेवर है वो है केसर पिस्ता। साथ ही साथ 28 ग्राम प्रोटीन मिलता है पर सर्विंग में, 6 ग्राम BCAA, 3.8 ग्राम ग्लूटामाइन एंड 6 ग्राम EAA के साथ, एंड दिस सप्लीमेंट इज अप्रूव्ड बाय FDA। साथ ही साथ दिस इज सोया फ्री, ग्लूटिन फ्री एंड शुगर फ्री। तो साथियों, न्यूट्रिशन वैल्यू की बात करने से पहले सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इसकी वेरिफिकेशन प्रोसेस क्या है। तो जैसे ही हमारे पास सप्लीमेंट आता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास सप्लीमेंट के ऊपर ही एक स्टिकर रहता है जिसमें एक स्क्रैच कोड रहता है एंड QR कोड रहता है, और नीचे हमारे पास डिटेल्स लिखी रहती है कि आप इस स्क्रैच कोड को इस व्हाट्सएप पे शेयर करें और इंस्टेंट आपका जो सप्लीमेंट है ओरिजिनल है या फेक है वो जान सकते। तो साथियों, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था, टोटल नंबर ऑफ सर्विंग 1 kg पैकिंग में जो हमें मिलती है 28 रहती है, और 35 ग्राम का एक सर्विंग साइज रहता है। उस 35 ग्राम में क्या क्या न्यूट्रिशन मिलते हैं, लेट्स चेक इट आउट। तो साथियों, सबसे फर्स्ट हमें जो एनर्जी देखने को मिलती है 130 कैलोरीज रहती है, टोटल फैट 1 ग्राम, सैचुरेटेड फैट 0.7 ग्राम, ट्रांस फैट 0.0 ग्राम, कोलेस्ट्रॉल 2.7 mg, सोडियम 100 mg, टोटल कार्बोहाइड्रेट 2 ग्राम, शुगर एज सोर्स 0.0, आई रिपीट टोटल शुगर 0.0 है, एंड प्रोटीन 28 ग्राम। विटामिन ए हमें मिलता है 9 mcg, कंप्लीट इसमें BCAA की प्रोफाइल हमें देखने को मिलती है एंड EAA की प्रोफाइल देखने को मिलती है, एंड दिस प्रोडक्ट आर कंप्लीट डिजाइन बाय मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट। ऑलराइट, अब हम जान लेते हैं इसकी मिक्सिबिलिटी कैसे है और इसका रिकमेंड डोज क्या होना चाहिए। ऑलराइट, तो एज यू कैन सी साथियों, अभी तक हमने इसको ओपन नहीं करा है, हम आपके सामने ही इसको ओपन कर रहे हैं और आपके सामने ही जानेंगे कि क्या इसकी मिक्सिबिलिटी है और इसका जो केसर पिस्ता का टेस्ट है वो कैसा। तो साथ ही सिंपली आपको इसे प्रॉपर से फाड़ना है आपको। ऑलराइट, और यहाँ पर कुछ इस टाइप का हमें अंदर से केसर पिस्ता प्रोटीन देखने को मिलता है, अगर आप देख पा रहे हैं तो। ऑलराइट, खुशबू देखी जाए तो केसर पिस्ता जैसी आ रही है, और दिस इज द सर्विंग साइज 35 ग्राम का है। ऑलराइट, इसको हम ले लेते हैं एक। प्रोटीन की अगर क्वालिटी अगर मैं देखूं तो इसका जो प्रोटीन है वो बहुत ही क्वालिटी बहुत ही शानदार देखने को मिल रही है। लेट्स सी, चेक करते हैं इसको हम, क्या इसकी मिक्सिबिलिटी होना चाहिए। ये 35 ग्राम का एक स्कूप है, हमने यहाँ पर डाल दिया है, ठीक है ना। हम थोड़ा सा 200 ग्राम पानी ऐड कर लेते हैं इसमें। आइसोलेट वे प्रोटीन, हर बार आपको वे प्रोटीन हो या आइसोलेट वे प्रोटीन हो, आपको पानी में लीजिए, जिससे क्या है कि आपको इंस्टेंट बेनिफिट देखने को मिलेंगे। क्योंकि अगर हम दूध में लेते हैं कोई भी वे प्रोटीन, या फिर गेनर भी हो जाए या फिर आप आइसोलेट वे प्रोटीन भी, तो उसको थोड़ा सा डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है और वो इंस्टेंट आपके मसल को नहीं जाता है। ऑलराइट, तो ये हमने लिया 1 स्कूप।
200 ml पानी डाला है हमने इसमें, शेक करते हैं। ठीक है समझ गया। एक मिनट के लिए मैं इसको वापस से पैक कर देता हूँ और अब इसको हम इसको ग्लास में खाली करते हैं। सो हमने एक ग्लास ले लिया जिससे ट्रांसपेरेंसी रहे कि क्या इसका मिक्सिबिलिटी है और क्या इसका टेस्ट है। सो मिक्सिबिलिटी के मामले में ये विनर रहा है। दिस इज कम्प्लीटली मिक्स्ड, डिसॉल्व हो चुका है प्रोटीन पूरा पानी के अंदर और केसर पिस्ता कुछ इस तरीके से दिख रहा है हमारा। ठीक है अब टेस्ट कर लेते हैं। Not bad. तो साथियों इसके अगर मैं सॉलिड फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो ये प्रोटीन ना तो कुछ ज्यादा ही एकदम पानी जैसा है पतला और ना ही एकदम गाढ़ा है। इसका जो सॉलिडनेस है वो मीडियम है जो कि हमारे लिए एक अच्छी बात है। ऑल राइट मिक्सिबिलिटी की बात करूं तो ये कंप्लीट मिक्स हो गया था जैसा आपने देखा। ऑल राइट टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो ये एक्चुअल केसर पिस्ता जैसा टेस्ट भी नहीं है और ना ही इतना खराब भी नहीं है। तो आप इसको इजीली पी सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। ऑल राइट रिकमेंड डोज की अगर मैं बात करूं साथियों तो कंपनी भी क्लेम करती है कि आपको कोई सा भी आइसोलेट वे प्रोटीन हो या वे प्रोटीन हो तो उसको फॉर अ बेस्ट रिजल्ट आपको दिन में दो बार लेना चाहिए। एक आप चाहें तो मॉर्निंग में ले लीजिए और दूसरा आपको वर्कआउट के तुरंत बाद लेना है। जिससे क्या होता है साथियों हमारा वर्कआउट के बाद जो मसल में फटिकनेस आता है और प्रोटीन हम अगर इंस्टेंट पी लेते हैं तो जो मसल हमारा फटिक हुआ है उसको इंस्टेंट सारे न्यूट्रिशन उस मसल को मिल जाए। ऑल राइट तो फॉर अ बेस्ट रिजल्ट आपको इसे लेना है दिन में दो बार, एक आप चाहे मॉर्निंग में ले सकते हैं और दूसरा आपको लेना है वर्कआउट के बाद। ऑल राइट विथ 200 ml वाटर के साथ 1 scoop। ऑल राइट इससे ज्यादा आपको नहीं लेना है। अब हम बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट्स क्या हमें देखने को मिल सकते हैं और क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो साथियों जो बेनिफिट्स आपको देखने को मिलते हैं वो फर्स्ट दिस प्रोटीन कैन इंक्रीज योर लीन मसल मास। क्योंकि इसमें जीरो एडेड शुगर है तो आपका जो लीन मसल मास है वो बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करेगा। साथ ही साथ आपकी बॉडी को एक स्ट्रेंथ मिलेगी, आपकी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी लेवल को बूस्ट करेगा, आपके प्रोटीन सेल्स को इंक्रीज करेगा और आपके प्रोटीन नीड्स को फुलफिल करेगा। साथ ही साथ इसमें BCAA और EAA तो वो आपके बॉडी की सारे अमाइनो प्रोफाइल को फुलफिल करेगा। ये सारे बेनिफिट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट की। क्योंकि साथियों इस प्रोटीन का जो प्रोटीन पाउडर की क्वालिटी है वो बहुत ही शानदार है, प्लस ये एक वेल नोन ब्रांड है। साथ ही साथ हमारे पास जो सप्लीमेंट है वो ऑथेंटिकेट हुआ है बाय कंपनी, तो हमारा जो प्रोटीन है ओवरऑल ओरिजिनल प्लस क्वालिटी में भी सही है, तो इस प्रोटीन के साइड इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिलेंगे। बट अगर हम इसको अंडर द लिमिट लेंगे ना तो हमें साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलेंगे, बट अगर हम ओवर द लिमिट लेने लग जाएंगे इस सप्लीमेंट को तो मे बी पॉसिबल हमारा डाइजेशन इशू प्रॉब्लम दे सकता है और हमें कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। बट अगर हम अंडर द लिमिट लेंगे जो कि 2 scoop पर डे का है तो हमें इस प्रोटीन से कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलेंगे। मेरा ये भी रिकमेंड रहेगा साथियों अगर आपने अभी तक किसी भी प्रकार का सप्लीमेंट नहीं लिया है तो 1 से 2 दिन आप इस सप्लीमेंट का आधा आधा स्कूप लीजिए, सिर्फ 2 से 3 दिन तक, उसके बाद ही आप 1 scoop लीजिए। जिससे क्या होगा आपकी बॉडी और सप्लीमेंट दोनों एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और बॉडी उस प्रोटीन को एब्जॉर्ब करना सीख जाएगी। तो इसलिए अगर आपने अभी तक सप्लीमेंट नहीं लिया है तो आप 1-2 दिन के लिए आधा आधा स्कूप लीजिए और उसके बाद आप रिडायरेक्ट 2 scoop पर डे का ले सकते हो, बट आपको 2 scoop से ज्यादा नहीं लेना है। अगर आप 2 scoop से ज्यादा लोगे तो बट ऑब्वियस है कोई सा भी ब्रांड हो कोई सा भी सप्लीमेंट हो वो साइड इफेक्ट देगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ऑल राइट साथियों तो अब हम इसके प्राइसिंग एंड रेटिंग की बात कर लेते हैं। तो साथियों इसके पैकिंग पे जो प्राइस मेंशन है वो है 4,499 रुपए, बट ये इजीली आपको ऑफलाइन मार्केट या फिर ऑनलाइन मार्केट में 1,700 रुपए से लेके 2,200 रुपए तक की रेंज में मिल जाएगा। आई वुड सजेस्ट कि आप ऑफलाइन मार्केट के बजाय आप अमेजोन से इसे ले सकते हैं। कुछ कार्ड्स वगैरह अप्लाई करके आपको ये प्रोटीन पड़ेगा 1,500 रुपए तक में इजीली आपको पड़ जाएगा। तो सिंपली इसके लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा तो आप वहां से इसको बाय कर सकते हैं। ऑल राइट अब हम बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की। तो साथियों अकॉर्डिंग टू मी इसकी जो रेटिंग रहेगी मिक्सिबिलिटी की 5 out of 5, टेस्ट की 4 out of 5 एंड क्वालिटी ऑफ प्रोटीन की 5 out of 5। ऑल राइट अब हम बात कर लेते हैं कंक्लूजन ऑफ वीडियो की।
तो साथियों, टू बी ऑनेस्ट एंड टू बी फ्रैंक विथ यू, ये प्रोटीन मैं फेंकने वाला नहीं हूँ, ये भी मैं खुद यूज करने वाला हूँ। ऑल राइट, तो आप अंडर बजट एक आइसोलेट वे प्रोटीन देख रहे हैं विथ जीरो एडेड शुगर, ग्लूटिन फ्री एंड यस सोया फ्री। तो दिस प्रोटीन कैन बी योर बेस्ट सप्लीमेंट। ऑल राइट, ये आपको एक अच्छा लीन मसल ग्रोथ दे सकता है, बट मेक श्योर आप एक अच्छी लीन डाइट फॉलो कर रहे हैं, एक परफेक्ट वर्कआउट फॉलो कर रहे हैं, और आपका जो स्लीप साइकिल होना चाहिए 7 से 8 घंटे की स्लीप साइकिल होना चाहिए। मैं हर बार हर वीडियो में एक ही चीज सजेस्ट करता हूं साथियों, सप्लीमेंट सिर्फ आपकी बॉडी को, आपके मसल को किक करता है, वो सपोर्ट करता है, जो भी हमारे वर्कआउट के बाद मसल में ब्रेक डाउन हुआ है उसको रिकवर करता है। बट आपका 30% प्रोटीन रिकवर करता है, 70% आपकी डाइट और स्लीप रिकवर करती है। तो आपकी जो डाइट है वो परफेक्ट होना चाहिए, और आपका जो स्लीप साइकिल है वो 7 से 8 घंटे होना चाहिए, क्योंकि 7 से 8 घंटे में हमारा जो भी मसल फटिक होता है ना पूरे दिन या वर्कआउट में, वो उस टाइम पर, उस पीरियड में रिकवरी मोड पर रहता है। ऑल राइट, तो आप ये मत सोचिए कि हमने या तो इम्पोर्टेड ब्रांड का प्रोटीन ले लिया 10,000-20,000 का, हम दो स्कूप लेंगे, वर्कआउट करेंगे, डाइट नहीं लेंगे तो हमारी बॉडी बन जाएगा, हमें लीन मसल ग्रोथ हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होना है। ऑल राइट, भले आप डायमाटाइज ले लो, आप ऑन ले लो, आप कोई सा भी इम्पोर्टेड से इम्पोर्टेड ब्रांड का प्रोटीन ले लो, बट आपको सप्लीमेंट के साथ डाइट भी फॉलो करना है, स्लीप साइकिल भी फॉलो करना है, और एक परफेक्ट वर्कआउट फॉलो करना है। उसके लिए आप हमारा मेंटोरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, सिंपली आप इंस्टाग्राम पे हमारे डीएम कर सकते हैं और आगे की क्या प्रोसेस है वो जान सकते हैं। तो इन शॉर्ट साथियों, अगर आप इस प्रोटीन को ट्राई करना चाहते हैं तो आप आग बंद करके इस प्रोटीन को ट्राई कर सकते हैं, दिस प्रोटीन इज करेंटली डैम गुड। ऑल राइट, साथ ही साथ साथियों, क्या आप अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं बाय इन्वेस्टिंग इन SIP इन शेयर मार्केट, और अगर आप चाहते हैं कि हमें लॉन्ग टर्म के लिए कुछ बड़े ब्रांड के शेयर खरीद के रख दें, जैसे टाटा ग्रुप, अडानी ग्रुप और रिलायंस ग्रुप, बट अभी तक आपका डीमेट अकाउंट ओपन नहीं है, तो आप इजीली अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं इन अपस्टॉक। अपस्टॉक साथियों एक ऐसा ब्रोकर है जो कि सेफ एंड सिक्योर है, आपके बिना परमिशन से यहाँ पर एक भी पैसा डेबिट नहीं कर सकती है कंपनी। अगर आप किसी शेयर को बाय करते हैं तभी आपका जो चार्जेस है वो डिडक्ट होता है, वरना आपका जो भी डीमेट में ऐसे रखे हैं वो सेफ एंड सिक्योर रहेंगे, और हर 1 महीने या 3 महीने में जो भी अनयूज्ड मनी है वो रीडायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे वापस से। तो आप सिंपली अपस्टॉक पर डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, उसके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। विद इन अ 10 मिनट ऑफ प्रोसेस अकाउंट ओपन हो जाता है, और 48 आवर्स के बाद अकाउंट आपका ओपन हो जाता है KYC के बाद। तो आप SIP स्टार्ट कर सकते हैं और इन्वेस्ट कर सकते हैं बड़े बड़े ब्रांड में। ऑल राइट, अगर आप नीचे दी हुई लिंक से डीमैट ओपन करते हैं तो ब्रोकरेज आपकी अप टू 50% सेफ होगी फॉर 6 मंथ। तो जल्दी से आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए एंड सिक्योर योर फ्यूचर। तो साथियों ये था आज का वीडियो, हम फिर मुलाकात करेंगे कुछ नए वीडियो में, तब तक के लिए आप ध्यान रखें खुद का और अपने घर वालों का, एंड मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक कर रहे हैं और आप इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं अपने लव वंस के साथ, जिन्हें जानना चाहिए कि अंडर द बजट प्रोटीन कौन सा अभी वो ले सकते हैं। एंड मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिए। सो गुड बाय, टेक केयर।